गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करने वाले हैं अ वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी स्मार्ट पैराग्राफ, ऑब्वियसली रिटन इन इंग्लिश एंड इट्स टाइटल इज हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, सब लोग देखते हैं अपने आसपास कि कुछ चिल्ड्रन बाय बर्थ हैंडीकैप होते हैं और कुछ बाद में हैंडीकैप हो जाते हैं किसी ना किसी एक्सीडेंट या फिर इंजरी की वजह से उनकी लाइफ में, ठीक है। और हैंडीकैप चिल्ड्रन से हम लोग कैसा बर्ताव करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी सेम बर्ताव करते हों। कुछ लोग तो बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, उनकी डिसेबिलिटी को समझते हैं, ये समझते हैं कि अगर वो डिसेबल हैं तो वो किसी और डायरेक्शन में उनका माइंड काफ़ी तेज़ होगा और वो उस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम में से पर्सन क्या समझते हैं कि यार ये तो हैंडीकैप्ड हैं एंड ये किसी काम के नहीं हैं, तो हम उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं या फिर उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, अपने से नीचा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि यार ये तो यूज़लेस पर्सन हैं इन द सोसाइटी एंड ऑल दैट। तो इस तरह से देखना क्या सही है उनको? अगर आपको लगता है सही है तो प्लीज़ अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर गॉड हमें एक तरह की डिसेबिलिटी देता है तो वो हमें किसी तरह की बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ या हम बोल सकते हैं सुपर पावर्स देता है, जिसके थ्रू हम, मतलब सुपर पावर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं किसी और फील्ड में, जिस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, जिस फील्ड में जाकर वो हमारी सोसाइटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं, हमारी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। वो सिर्फ हैंडीकैप हैं और हम सोचते हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लिए ही नहीं सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए रीड करते हैं ये पैराग्राफ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सम चिल्ड्रन आर बोर्न विथ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, कुछ चिल्ड्रन जो हैं पैदा ही फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं। दे आर आइदर ब्लाइंड और डेफ और इन सम वे ऑफ डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ। तो बाय बर्थ ही वो क्या होते हैं, कुछ अंधे होते हैं, कुछ डेफ होते हैं और कुछ तरह की उनमें फिजिकल जो है डिसेबिलिटी होती है। दे आर द हैंडीकैप चिल्ड्रन, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, हैंडीकैप चिल्ड्रन। हैंडीकैप मैंने यहाँ पे टू टाइम्स लिख दिया था तो वन टाइप मैंने कट कर दिया। दे डिज़र्व आवर स्पेशल अटेंशन, उनको क्या चाहिए, अगर वो हैंडीकैप हैं तो उनको हमारी स्पेशल अटेंशन चाहिए। स्पेशल अटेंशन ये नहीं कि हम उनको बहुत लाड और प्यार से देखें या फिर ये सोचें कि यार इनसे कुछ नहीं हो रहा तो हम उन पर दया दिखा दें। स्पेशल अटेंशन मीन्स हम उन पर स्पेशल अटेंशन दें और ये देखें कि जो काम वो नहीं कर पाते उसमें हम उनकी हेल्प करें, और जो काम वो कर पाते हैं और बहुत अच्छे हैं जिन कामों में, उन कामों को इम्प्रूव करने के लिए उनको मोटिवेट करें। आइए इसको दोबारा से रीड करें। सम चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, दे आर आइदर ब्लाइंड और डेफ और इन सम वे डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ। दे आर द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, दे डिज़र्व आवर स्पेशल अटेंशन। ओके, कैसा लग रहा है पैराग्राफ? अगर अच्छा लग रहा है मेरे सारे प्रीवियस पैराग्राफ्स की तरह तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर कर दिया करो प्लीज़, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे। अप टू रिसेंट टाइम लिटिल प्लान्ड एक्शन वॉज टेकन टू फिट द हैंडीकैप चिल्ड्रन इन देयर नॉर्मल लाइफ। अब तक के टाइम में कुछ एक्शंस लिए गए हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए, उनको फिट करने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए कि वो नॉर्मल लाइफ हमारी तरह कैसे जिए। दे वर कंसिडर्ड एज ए बर्डन ऑन द सोसाइटी, पहले क्या होता था, इवन अभी भी कुछ जगह ऐसा होता है कि उनको बोझ समझा जाता है सोसाइटी में एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज मेंबर्स भी ऐसे ही समझते हैं कि लाइक ये तो हैंडीकैप्ड हैं, इनकी तो हमें पूरा टाइम सेवा ही करनी है और ये हमें रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते, तो ये यूज़लेस पर्सन हैं, बर्डन है हमारी फैमिली पर, हमारी सोसाइटी पर। दे वर लुक्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, ओ माई गॉड, उनको एक पिटी के ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। वेरी फ्यू पीपल सीरियसली थॉट दैट दीज हैंडीकैप चिल्ड्रन कुड ऑल्सो ग्रो इन टू यूजफुल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। बहुत ही कम लोग यह समझते हैं और सीरियसली में यह समझते हैं कि हैंडीकैप चिल्ड्रन को भी ग्रो किया जा सकता है, उनको भी ग्रो किया जा सकता है किस तरह से कि वो भी यूजफुल मेम्बर बन सकते हैं सोसाइटी के। इवन वो कुछ चीज़ों में हमारे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और ये
समझने की ज़रूरत है उनके फैमिलीज़ मेम्बर को, उनके आसपास के सोसाइटीज़ को, कि हम उनको कैसे ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं और वो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि जब गॉड किसी ह्यूमन बीइंग को बर्थ देता है, जन्म देता है, तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है और उस मोटिव में हेल्प करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ दे माइट हैव एबिलिटीज़ इन अदर डायरेक्शंस। तो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं ये कि उनके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है लेकिन उनके पास एबिलिटीज़ भी हैं कुछ और डायरेक्शंस में काम करने की, और हो सकता है उन डायरेक्शंस के बारे में या फिर उन व्यूज़ के बारे में या फिर उनके वर्क के बारे में वो कुछ ऐसा कर दिखाएं जो हमने सोचा भी ना हो, तो एक मिसाल बन जाए सोसाइटी के लिए। एंड यू नो हमें क्या होता है, हमें कभी फीवर होता है तो हमें लगता है कि हम स्कूल नहीं जा सकते। जैसे कि बच्चों को नॉर्मली फीवर होता है, बच्चों को लगता है मम्मा वी आर वेरी टायर्ड, वी कैन नॉट गो टू स्कूल, और पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ आज बच्चों को फीवर है, खांसी है, जुकाम है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि लाइक हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जिसकी वन लेग नहीं है और वो ओनली वन लेग पर डांस कर रहा है, वो भी हमारे से ज़्यादा अच्छा, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है कि जब ये इस ऐसी कंडीशन में भी कर सकता है तो हम स्कूल क्यों नहीं जा सकते फीवर में भी। तो ये क्या हुआ, ये हमारे हमें उनके उनकी इंस्पिरेशन बनना चाहिए था लेकिन वो लोग हमारी इंस्पिरेशन बन गए। तो उनके पास डिसेबिलिटी है लेकिन बहुत अच्छी एबिलिटी भी है। कुछ लोगों के हाथ नहीं होते और वो अपने दोनों फुट से ब्रश को पकड़कर पेंटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स करते हैं जिनका मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। वो भी एग्ज़ाम्पल है, मतलब बहुत सारे ऐसे डिसेबल पर्सन एग्ज़ाम्पल हैं सोसाइटी के लिए, इंस्पिरेशन है सोसाइटी के लिए। तो कोई भी डिसेबल पर्सन यूजलेस नहीं है। एटलीस्ट आइए इसको दोबारा रीड करें। दे वर कंसिडर्ड एज ए बर्डन ऑन द सोसाइटी एंड देयर फैमिलीज, दे वर लुक्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। Very few people seriously thought that these handicapped children could also grow into useful members of the society. In spite of their physical disabilities, they might have abilities in other directions. तो कैसा लग रहा है बच्चों या फिर पेरेंट्स जो भी मेरा पैराग्राफ देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी अब 1 लाख से अबव की फैमिली है और मैं चाहती हूँ कि इनमें व्यूज़ भी 1 लाख से अबव आएँ। ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैज सोसाइटी स्लोली कम टू एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द हैंडीकैप चिल्ड्रन। पिछले कुछ दशकों से सोसाइटी जो है, सोसाइटी को ये एहसास हुआ कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन के प्रति, और उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि हैंडीकैप चिल्ड्रन यूजलेस नहीं है। It is beginning to realize that handicapped children can be trained in several ways to play a useful part in economic as well as social life. और यह भी realize किया गया कि handicapped children को train किया जा सकता है। हाँ उनके training center अलग हो सकते हैं, उनको train करने का way अलग हो सकता है, लेकिन वो एक example बन सकते हैं या फिर एक useful बन सकते हैं, जिस तरह से हम useful हैं अपनी फैमिली के लिए और सोशल लाइफ की तरफ के लिए। ओके आइए इसको एक बार और रीड कर लें। ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैज सोसाइटी स्लोली कम टू एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द हैंडीकैप चिल्ड्रन। इट इज़ बिगनिंग टू रियलाइज दैट हैंडीकैप चिल्ड्रन कैन बी ट्रेंड इन सेवरल वेज टू प्ले अ यूजफुल पार्ट इन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल लाइफ। इट इज़ होप्ड दैट द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन विल बी, और यह आशा रखी गई कि हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन क्या होंगे, विल बी गिवन देयर ड्यू प्लेस इन सोसाइटी, कि हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को भी उनकी सोसाइटी में उनका जो स्थान मिलना चाहिए वो मिलेगा, दिया जाएगा। देयर प्रॉब्लम्स विल बी अंडरस्टूड, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा। स्पेशल इंस्टीट्यूशंस विल बी सेटअप टू मेक देम सेल्फ रिलायंट, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। दे विल बी इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ एंड गिवन टू फीलिंग दैट दे आर नो लॉन्गर अनवांटेड, और उनको इस फीलिंग से जो है सिखाया जाएगा कि उनको बहुत जल्दी ही सोसाइटी अनवांटेड
पर्सनालिटी नहीं समझेगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे सोसाइटी के लिए। तो कैसा लगा मेरा पैराग्राफ? डैम श्योर इतना बुरा भी नहीं है और बहुत ही अच्छा है। तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, व्यूज़ पे व्यूज़, लाइक पे लाइक, शेयर पे शेयर दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। हमारी 1 लाख से अबव की फैमिली है और आप लोगों के साथ से ये फैमिली और बढ़ेगी, साथ में व्यूज़ शेयर कमेंट भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग करेंगे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, लेकिन लाइक शेयर कमेंट भूल जाते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। इट इज़ होप दैट द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन विल बी गिवन देयर ड्यू प्लेस इन सोसाइटी, देयर प्रॉब्लम्स विल बी अंडरस्टूड, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस will be set up to make them self-reliant, they will be included in the mainstream of life and given feeling to that they are no longer unwanted. So, कैसा लगा पैराग्राफ? लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।